अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो। अब तुम्हारी बारी भी आने वाली है। ये फिर से एक नया चीज चलाया इन लोगों ने, एक नई मुहिम चलाई है। अब ये तो महाराष्ट्र तक भी पहुंच गई है। आज महाराष्ट्र में एक टैक्सी वाले को कल रात में बहुत मारा। उसको बोल रहे जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, उसको भी और उसको बहुत मारा। खैर महाराष्ट्र की पुलिस ने तुरंत एक्शन दिखाया और तीनों को पकड़ लिया है। पर ये एक फैशन होता जाता है, कहीं ये लोग मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। मुझे क्यों नहीं मिलते हो तुम लोग यार, मुझे मिलो और मुझसे बुलवाने की कोशिश करो। ये इंशाल्लाह ताला फिर देखो क्या होता है। मेरे भाई सेक्युलर कंट्री को क्यों खराब कर रहे हो तुम लोग? सब अच्छा चल रहा है, क्यों खराब करना चाहते हो? और इस पे हमारे प्रधानमंत्री को एक्शन तुरंत लेना चाहिए। इस पे कुछ बोलते क्यों नहीं हो आप? क्योंकि आरएसएस वाले हैं, बजरंग दल वाले हैं, इसलिए आप कुछ नहीं बोलते हो। हाँ, फिर मैं आपको आप बोलने लगा हूं, फिर आपको तू पे आ जाऊंगा मैं वापस, क्योंकि आप गलत काम करवा रहे हो। ये सब गलत लोग हैं, इनको तुरंत आप एक्शन लीजिए सर। ऐसे लोगों को घर से निकालिए और इनको इनका रिमांड लीजिए और दुनिया को दिखाइए कि देखो ये लोगों को हम मार रहे हैं, कुत्ता बना दिया इनको हमने। क्योंकि देश का माहौल खराब कर रहे हैं सर, आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो। खैर आप समझ भी पा रहे हो, क्योंकि आप अब ये वो लोग हैं जो गोडसे को अपना वो मानते हैं, जिसने हमारे महात्मा गांधी को मार दिया था उसको भगवान मानते हैं। वो तो टेररिस्ट है, वो कहां से भगवान हुआ भाई? नाथूराम गोडसे इज अ टेररिस्ट, वो भगवान कहां से हुआ? और ये उसके फॉलोवर है, तो आप समझ लीजिए कि आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं आप। खैर आप भी आरएसएस से ही हो, 100 साल लगा आप लोगों को ये करने में, पर सर इससे देश का माहौल बहुत खराब हो रहा है। क्या है यार, क्या है जय श्री राम है क्या यार? जिसका अपना मजहब है वो बोले जय श्री राम, जिसका जो है वो वाहेगुरु बोले, हम अल्लाह अकबर बोलेंगे, जो कैथलिक है वो अपना अपना धर्म। यहां पे आप जाइए, हर एक किलोमीटर पे लैंग्वेज और धर्म चेंज हो जाता है। ये हिंदुस्तान है, यहां पे कितने 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 रिलीजन है, कितनी जबान है, कितने लोग। उसमें आप ये चाहते हो कि हिंदुत्व आ जाए और जय श्री राम पूरी हिंदुस्तान और भारत बोलने लगे, तो ये नहीं होने वाला है। और आपको अगर देश का माहौल खराब करना है तो आप इन लोगों को सपोर्ट करिए, क्योंकि आप कर रहे हैं सपोर्ट। आओ ये नरेंद्र मोदी जी से मैं कह रहा हूं, क्योंकि सर आप प्रधानमंत्री है, आप चाहो तो एक सेकंड में ये सबके पिछवाड़े पे इतने डंडे पड़ जाए, और आप करोगे नहीं ना। मैं जानता हूं क्यों नहीं करोगे, कि आपके खास रिश्तेदार है, आपके मानने वाले, जानने वाले, चाहने वाले लोग हैं लोग। लेकिन अब पीर पर्वत सी हो चुकी है, अब पिघलनी चाहिए और इनके पिछवाड़ों से भी गंगा निकलनी चाहिए, कि इनको इतना मारो कि इनको समझ में आ जाए। क्योंकि ये जुल्म है, ये जुल्म हो रहा है। और एक एक गरीब को पकड़ के मारते हो, कभी किसी तुर्रम को नहीं मारा आप लोगों ने कि जय श्री राम बोलो। गरीब गुरबे बिचारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में जद्दोजहद करने वाले, कमाने वाले, अपनी फैमिली को खिलाने वालों को आप मार दे रहे हो। थू तुम्हारे साले ये षड्यंत्र पे। अरे कभी हमसे मिलो, हमको मिलो, कभी हमसे बुलवाने की कोशिश करो। नहीं बुलवा दिया, अल्लाह अकबर तो नाम बदल देना हमारा। अरे बस करो, ये धर्म के नाम पे राजनीति बहुत हो गई तुम लोगों की। फिर एक ड्राइवर को मारे तबरेज की, मतलब इस कदर आप लोगों ने हत्या की, और उस पर ना प्रधानमंत्री बोले, ना सीएम बोले, ना कोई बोला, ना कोई बोलेगा, क्योंकि सब आप लोगों का किया कराया है। ओ मेरे भाइयों, मेरे वीडियो को देखने वालों, इसको शेयर जरूर मारो और अपने अंदर एक आग दबा के रखो, और अल्लाह से मांगो कि अल्लाह हमको ताकत दे, कुव्वत दे, क्योंकि ये जुल्म करते रह रहे हैं और हम सहते रह रहे हैं। कोई भी लोग रोड पे नहीं निकले, हमको शर्म आनी चाहिए। ये शर्म सरदार को मारा था याद है, थोड़े दिन पहले पूरे सरदार रोड पे निकल गए, चौकी में घुस गए,
आईपीएस को मारे, एसआई को मारे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। देखे तुम, क्योंकि उनमें एकता है और हम क्या एक केकड़े हैं, हम लोग खाली बातों के शेर है बस। अरे निकले रोड पे तो समझ में आ जाए, दो दिन भारत बंद हो जाए, हिंदुस्तान ये सब बंद हो जाएगा। ये जो हमको एक एक करके लोग मार रहे, डरा रहे, ये सब हमारे में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे भाइयों ये सब बंद हो जाएगा। खाली एक दिन निकलना है, 40 करोड़ है हम लोग लीगल इलीगल मिला के, एक बार निकलना है। और मेरे जो असली सनातन धर्म के हिंदू भाई है, वो मेरे भाइयों आपको भी इस पे तो आवाज उठानी चाहिए, आपको भी इस पे निकल के बोलना चाहिए यार, वरना नीचे तबके के जो लोग है ये सब हिंदुस्तान का माहौल खराब कर देंगे। कब निकलेंगे यार मेरे टोपी वाले।